अब महिंद्रा थार जैसी गाड़ी में आपने ऑफ रोडिंग नहीं किया तो फिर लाइफ में क्या किया। नमस्ते दोस्तों, मोटरबीम हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास एक ऐसी SUV है जो आपकी चाहती है, मेरी चाहती है, बहुत लोगों ने ये गाड़ी के लिए बहुत साल इंतजार किया है। मैं बात कर रहा हूँ 2020 महिंद्रा थार के बारे में। ये वीडियो में पहले हम ये गाड़ी को ऑफ रोड ले जाएंगे, मैं आपको इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, ऑफ रोड परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, फिर इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस हम देखेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इसके कंफर्ट और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबको पता है कि आपको क्या करना है, मोटरबीम हिंदी को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। पुरानी वाली थार बहुत ही कैरेक्टरफुल SUV लगती थी, ये भी कोई अलग नहीं है। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से 2020 महिंद्रा थार ज़्यादा मॉडर्न लगती है पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में। पुरानी वाली थार ज़्यादा रगेड लगती थी, ये थोड़ी मॉडर्न लगती है और अप टू डेट लगती है। अब ज़्यादा ग्रिल की बात होती है तो ये गाड़ी में एक नई ग्रिल की डिज़ाइन दी गई है जो पुरानी थार के कंपैरिजन में काफ़ी अलग लगती है। मुझे पर्सनली लगता है कि पुरानी थार की ग्रिल की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी थी। ये कुछ कलर्स में अच्छी लगती है, कुछ कलर्स में इतनी खास नहीं लगती। यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं और फॉग लैंप्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक ड्यूल टोन बम्पर मिलता है और यहाँ पे थार की बैजिंग की गई है। हाँ, ये गाड़ी की डिज़ाइन जीप रैंगलर से थोड़ी ज़रूर इंस्पायर्ड है और काफ़ी एंगल से जीप रैंगलर से काफ़ी मिलती जुलती ये गाड़ी लगती है। जहाँ तक साइड प्रोफाइल की बात होती है, ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन ये गाड़ी इतनी छोटी दिखती नहीं है। इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इम्पोसिंग लगती है गाड़ी और ये गाड़ी के डायमेंशन भी काफ़ी वेल प्रोपोर्शन लगते हैं। ओवरऑल 2020 महिंद्रा थार की डिज़ाइन एवोल्यूशनरी है, लेकिन पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में ज़्यादा मॉडर्न हो गई है और अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। अब महिंद्रा थार जैसी गाड़ी में आपने ऑफ रोडिंग नहीं किया तो फिर लाइफ में क्या किया। अब पुरानी थार जो थी उसको हम लोग ऑफ रोडिंग ले गए थे बहुत बार, उसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज देख ली थी। गाड़ी काफ़ी कैपेबल थी क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे और गाड़ी बहुत ही बेसिक थी, अनकम्फर्टेबल थी। स्टेयरिंग उसका हैवी था, सस्पेंशन बहुत स्टिफ था, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी इजी लगती है चलाने में। लेकिन इसकी भी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज काफ़ी अच्छी है। इसका अप्रोच एंगल 42 डिग्रीज है, पुरानी गाड़ी का 44 डिग्रीज था। इसका डिपार्चर एंगल 37 डिग्रीज है और इसका रैंप ब्रेक ओवर एंगल है 27 डिग्रीज। ये गाड़ी में आपको 650 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी मिल जाती है। तो ये सब नंबर्स तो अच्छे पेपर पे, लेकिन अगर आपको जानना है कि सच में ये गाड़ी इतनी केपेबल है या नहीं, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये गाड़ी को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आती नहीं है। गाड़ी चलाने में पहले से ज़्यादा इजी हो गई है और इसकी ऑफ रोड एबिलिटीज अभी भी बहुत ही अच्छी है। अब ये गाड़ी में आपको एक प्रॉपर लो ट्रांसफर केस मिल जाता है, इसमें आपको 4 लो 4 हाई ये दोनों मोड्स मिलते हैं और ऑब्वियसली 2 हाई मोड मिलता है जो आप रेगुलरली रोड यूजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जानना होगा कि 4 हाई और 4 लो का मतलब क्या होता है। तो जब आप गाड़ी को स्लश में चलाते या फिर ऐसे रोड सर्फेस पर चलाते जहाँ पे आपको थोड़ा कम ट्रैक्शन मिल रहा हो, वहाँ पे आप 4 लो मोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी के RPMs लिमिट हो जाते हैं और गाड़ी लो RPM से ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है, जिसकी वजह से व्हील्स को थोड़ा बेहतर ट्रैक्शन मिल जाता है और गाड़ी वो ऑब्स्टैकल से आराम से निकल जा सकती है। 4 हाई में क्या होता है कि अगर आप कोई ऑब्स्टैकल को थोड़ी ज़्यादा स्पीड से कॉन्कर करना चाहते हैं बिना रुके या फिर बिना बहुत ही कम स्पीड किए, तो आप 4 हाई मोड में डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन ये सब मोड्स आप रोड पे प्लीज़ इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी वजह से आपका गाड़ी का गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है।
तो हम लोग ने ये गाड़ी को कई तरीके के ऑब्स्टेकल्स के थ्रू चलाया। हम लोग ने इंक्लाइंस पे चलाई, डिक्लाइंस पे चलाई, डिप्स पे चलाई और थोड़ी पानी में भी चलाई, लेकिन वो पानी इतना ज्यादा भी डीप नहीं था। महिंद्रा थार के ये वाले ऑफ रोड सेशन में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो था वॉक द थार। उसमें क्या होता है, बेसिकली मैंने गाड़ी को लो रेशियो में डाल दिया फर्स्ट गियर में और चलती हुई गाड़ी से मैं बाहर उतर गया। बाहर से मैंने गाड़ी को स्टीयर किया और फिर बाहर से ही मैंने गाड़ी को रुका दिया। लेकिन रुकाने के अलावा आप चलती हुई गाड़ी में वापस बैठ के कंट्रोल भी ले सकते हैं, तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ लगी मुझे। लेकिन मुझे पता है कि कॉमन है, बहुत लोग करते हैं अपनी एसयूवीज के साथ, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ फैसिनेटिंग है और थोड़ा मज़ा आ जाता है। तो ये हो गए ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की बात। अब हम ये गाड़ी को रोड पर चलाएंगे, देखते हैं इसका डीजल इंजन कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। महिंद्रा थार में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले ये गाड़ी में एक 2 लीटर का एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। ये सबसे पहली बार महिंद्रा थार में एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन महिंद्रा ने ऑफर किया है। दूसरा इंजन है 2.2 लीटर एम हॉग डीजल इंजन, जो सेम इंजन XUV 500 और स्कॉर्पियो में भी आपको मिलता है, लेकिन ये इंजन थार में 130 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट करता है। तो अब मैं चला रहा हूँ डीजल मैनुअल वेरिएंट, इसमें एक 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिल जाता है, लेकिन महिंद्रा दोनों इंजन के साथ आपको एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी ऑफर कर रहे हैं और ये एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है। जहां तक इंजन के परफॉर्मेंस की बात होती है तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। हम लोग ने कई सारी महिंद्रा की यूवीज में ये इंजन को पहले भी टेस्ट किया है, तो ये इंजन हमेशा से इंप्रेसिव रहा है और थार में भी ये काफी अच्छी ड्राइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफर करता है। ये इंजन आपको थोड़ा टर्बो लग जरूर फील होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है और मिड रेंज में ये इंजन काफी पंची फील होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से पावर और टॉर्क की डिलीवरी आपको मिल जाती है, लेकिन टॉप एंड इसकी इतनी खास नहीं है, तो आपको 4,000-4,500 आरपीएम के बाद इतनी अच्छी पावर डिलीवरी तो नहीं मिल जाती है। तो अगर आप गाड़ी को मिड रेंज में रखेंगे आप परफॉर्मेंस से ज़रा भी नाराज़ नहीं होंगे। गाड़ी अच्छी तरीके से चलेगी, अच्छी तरीके से रफ्तार पकड़ेगी और पुरानी थार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पेपी फील होती है, ज़्यादा लाइवली फील होती है चलाने में। पुरानी थार के कंपैरिजन में नई वाली गाड़ी ज़्यादा रिफाइंड भी है। हाँ, ये इंजन में भी आपको थोड़े वाइब्रेशन फील होते हैं, आपको डीजल क्लैटर भी काफ़ी सुनाई देता है गाड़ी के अंदर और ये इंजन हाई आरपीएम से बहुत ही आवाज़ करता है, लेकिन पुरानी थार के कंपैरिजन में फिर भी ये काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि पुरानी गाड़ी में आपको ज़्यादा हार्श वाइब्रेशन फील होते थे और ज़्यादा आवाज़ भी सुनाई देती थी। इसमें आवाज़ सुनाई देती है, वाइब्रेशन थोड़े कम हो गए हैं। अब ये जो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से कैलिब्रेट किया है डीजल इंजन के साथ और इसमें आपको अच्छी गियर शिफ्ट्स मिल जाती है जो काफ़ी स्लिक है पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में। इसमें भी आपको टॉल गियर शिफ्ट्स मिल जाती है, लेकिन पुरानी गाड़ी में गियर शिफ्ट्स करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, बहुत सारे लोगों को उसमें आपको नॉचीनेस फील होती थी जो ये गाड़ी में फील नहीं होती और ये बहुत ही अच्छी बात है। और अर्बन कस्टमर्स को ये नई वाली थार इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा ईजी टू ड्राइव है। अब हमने इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी तक तो नहीं चलाया, तो जब चलाएंगे तब उसका अलग से वीडियो कर लेंगे। अब पुरानी वाली महिंद्रा थार में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता था, ये वाली गाड़ी में आपको कॉइल स्प्रिंग्स मिल जाते हैं पीछे, जिसकी वजह से आपको राइड क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देती है और जब आप गाड़ी को बुरे रोड्स पे चलाते या फिर नॉर्मल रोड्स पे भी चलाते तो राइड क्वालिटी में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है। अब क्योंकि एक बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी है तो इसमें आपको वो नॉर्मल बॉडी ऑन फ्रेम वाले कैरेक्टरिस्टिक जरूर फील होते हैं, जैसे कि लो स्पीड्स पे ये गाड़ी काफ़ी बम्पी फील होती है, लेकिन फिर भी पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में ये बम्पीनेस इतनी भी बुरी नहीं है। हाई स्पीड्स पे नई वाली थार की राइड भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और ये गाड़ी स्टेबल फील होती है, कंपोज फील होती है, ड्राइवर को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस ऑफर करती है। जहाँ तक ये स्टेयरिंग की बात होती है तो सिटी स्पीड्स में काफ़ी लाइट फील होता है, हाईवेज पे थोड़ा वेव हो जाता है, लेकिन इसकी जो फील एंड फीडबैक है वो अभी भी एवरेज है, इतनी खास नहीं है, लेकिन पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट और प्रिसाइज फील होता है। नई वाली थार में आपको 226 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो पुरानी थार से ज़्यादा है। अब ये जो डीजल इंजन है वो काफ़ी हद तक फ्यूल एफिशिएंट है और आपको डे टू डे ड्राइव में करीबन 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी, जो ज़रा भी बुरी नहीं है इतनी बड़ी इतनी हैवी एसयूवी के लिए। अब नई वाली थार में आपको आगे डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एवरेज है, जो स्टॉपिंग पावर है, जो ब्रेक पेडल की बाइट है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, एवरेज है। पीछे अगर डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर हो जाती, लेकिन गाड़ी का कॉस्ट भी वो ऊपर ले जाती। तो ये मैंने आपको परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ बता दिया। अभी जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो काफ़ी इंप्रूव्ड है पुरानी थार के कंपैरिजन में, इसमें आपको ज़्यादा क्रिएचर कंफर्ट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आप ये स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं।
इसमें एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, रूफ माउंटेड स्पीकर्स आते हैं, साउंड क्वालिटी डिसेंट है ये स्पीकर्स की। तो मैं चला रहा हूँ हार्ड टॉप वेरिएंट, लेकिन इसमें आपको सॉफ्ट टॉप और सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल वेरिएंट भी मिल जाता है। गाड़ी की फ्रंट सीट मुझे काफी अच्छी लगी, अच्छा कम्फर्ट ऑफर करती है, लेकिन थोड़ा और अंडर थाई सपोर्ट होता तो थोड़ा और बेहतर होता। अब जो पीछे की सीट है उसमें आपको एवरेज स्पेस मिल जाती है, तो फुल साइज एडल्ट्स को अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए बैठना है तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। बच्चों के लिए वो अच्छा है, लेकिन अंदर जाना और बाहर निकलना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स ये गाड़ी में काफी इंप्रूव हो गए, नई वाली थार एक वेल फिनिश्ड एसयूवी दिख के आती है, लेकिन इसमें भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है। सबसे पहले इसमें रियर वाइपर नहीं आता, मुझे लगता है कि ये एक फीचर देना चाहिए था, ये काफी यूजफुल है बारिश में। इसमें आपको रिवर्स कैमरा भी नहीं मिलता, लेकिन ठीक है वो मैनेजेबल है। और जहाँ तक इंटीरियर की क्वालिटी की बात होती है, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल्स आपको जरूर दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हमने देखा नई वाली महिंद्रा थार ऑफ रोड कैपेबिलिटीज में बहुत ही बेहतरीन है। अब पुरानी गाड़ी थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्विंग फील होती थी ड्राइविंग में, क्योंकि वो ज्यादा रगेड थी, ज्यादा बेसिक थी। ये वाली थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल और प्लश हो गई है, इसमें ज्यादा क्रिएचर कंफर्ट्स भी आते, तो जो नॉर्मल कस्टमर्स है उनको ये गाड़ी ज्यादा अपील करेगी। जो अर्बन बायर्स है उनके लिए ये गाड़ी बनी है। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बहुत ही बढ़िया है ये गाड़ी की, रोड पे भी काफी अच्छी चलती है। हमने डीजल वेरिएंट चलाई और इसका जो डीजल इंजन है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ओवरऑल गाड़ी चलाने में आपको काफी मजा आएगा। फन टू ड्राइव व्हीकल है, आपको अच्छी रोड प्रेजेंस मिल जाती है और थोड़ी एक्सक्लूसिविटी भी मिल जाती है। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी हो। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पुरानी थार ज्यादा पसंद है या फिर नई वाली।